हाय फ्रेंड, आज मैं आपको कमिंग सीजन में जो पीसीसी लगता है 1302, उसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा कि उसको कैसे ऑन किया जाता है और कैसे कैसे उसमें पैरामीटर आएंगे। ये सभी चीज़ें हम आपको इस फिगर और जो हमारे पास जो पैनल था 1302, उसका हम पूरा डायग्राम आपको दिखा देंगे कि उसमें कौन से बटन कब हमको दबाना है और क्या क्या चीज़ आइटम आएंगे, कैसे हम उसको स्क्रोल करते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी चीज़ें, आवर्स, ये सब कैसे हमारा दिखेगा। और उसमें जो है, क्योंकि उसमें ऑटो मोड भी होता है, मैनुअल भी होता है, तो मैनुअल के लिए हमको कहाँ पे कैसे रहेगा तो वो भी हम आपको दिखा देंगे कि कैसे वो चालू होता है। और ऑटो ऑटो मोड में तो रहेगा तो ऑलरेडी उसकी लाइट जलती रहेगी, और स्क्रोल भी कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सभी चीज़ें जो है हम आपको पैनल के फिगर के हिसाब से हम आपको दिखाते चलेंगे। और कहाँ कहाँ पर हमारा जैसे TB1, TB2, ये सभी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ पे उसकी वायरिंग होगी वो भी हम आपको डिटेल में दिखा देंगे। हाय फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा जो है PCC 1302 है। ये देखिए, इसमें ये हमारा ये पैनल दिखा रहा है। जिस समय हम इसको स्टार्ट करना होता है तो जब हम ऑन करते हैं तो ये हमारा इस पर जैसे कोई भी चीज़ इनिशियलाइज होता है उस हिसाब से इस पर जो है पहले ये लिख कर आता है। उसके बाद ये देखिए, ये इसमें जो है पंजे का निशान बन के आया है। जब ये हम मैनुअल मोड में चलाते हैं तब ये सिस्टम आता है। तो जिस पे पंजे का निशान बना है उस पे अगर हम उंगली दबा देंगे तब ये हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो अगर हम इसको ऑटो मोड में रखते हैं, जैसे देखिए ये ऑटो मोड में है, ऑटो मोड में जब पावर सप्लाई रहता है तब ये इस टाइप से दिखता है। और देखिए इसमें जो साइड में जो छोटे छोटे दिए हुए हैं अप और डाउन का, तो उससे हम स्क्रॉलिंग करके जो है हर पैरामीटर हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें ऑटो मोड में जैसे हम स्क्रॉलिंग करेंगे, जैसे बैटरी का वोल्टेज है, वाटर टेम्परेचर है, ऑयल प्रेशर है, और हमारा कितना आवर चल रहा है, ये सभी चीज़ें इसमें जो है आपको शो करेंगे। इसी तरह जो है इसमें ये ऑटो मोड में चलता है और मैनुअल भी चल सकता है। अब ये देखिए, इसका बैक साइड का है जो हमारा इंजन का वायरिंग हार्नेस होता है, तो ये जितने भी थिम्बल हमने दिखे हुए हैं वो हार्नेस के जो है सभी वायर जो है इसमें हम उसको जो है उसमें मतलब फिट कर देते हैं। इसलिए इसमें इसको वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट उसी के थ्रू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि भी